अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीम अजहर अली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ डायनामोल क्रीम के बारे में। देखो, ये वीडियो डायनामोल जो है मैंने इस्तेमाल भी कराई है अपने किसी एक पेशेंट पे, ठीक है ना। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, तो जो इस्तेमाल करा रखी है, तो मैं आज इसकी रिव्यू करने जा रहा हूँ कि इसके किस किस फ़ायदे होते हैं, किस उम्र में इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि मेरे कई पेशेंटों ने ये बात, मतलब के जो यूट्यूबर हैं बेचारे वीडियो देखते हैं, उन्होंने बोला है कि सर ये बताइए कि डायनामोल किस चीज़ के फ़ायदे, मतलब कितनी उम्र के बंदे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए इसको आज वीडियो इसकी वीडियो बना रहा हूँ डायनामोल की, ठीक है ना। तो आज जो डायनामोल क्रीम का रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। क्योंकि 2 दिन बाद मैं इसे तिलाए आज़म की भी वीडियो बनाऊँगा, इसका लेप कैसे बनाते हैं और मतलब कि किसकी पट्टी किस तरीके से बांधते हैं, ठीक है ना। क्यों, और ये किसके फ़ायदे भी बताऊँगा मैं किस किस फ़ायदे में ये काम करती है, ठीक है। तो पहले इसकी वीडियो बनाता हूँ डायनामोल की। तो डायनामोल जो होती है ये होती है पुरुषों के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए, कोई महिला इसे यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही इसे यूज़ कर सकते हैं। और लेके इसे जो बालिग हो चुका, 17-18 साल का बंदा बालिग हो जाए या 14 साल का, अब देखो हाथ के दस्तकार बहुत पाए जाते हैं, 14-15 साल की 13 साल की उम्र में हाथ के दस्तकार हो जाते हैं, अपनी नसों को ढीला कर लेते हैं, नसें कमज़ोर कर लेते हैं, सेक्स करने में मतलब के मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि वो ढंग से खड़ा ही नहीं होता तो सेक्स कैसे कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये उसी चीज़ के लिए। इसमें अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट जो है सालम मिश्री, सालम पंजा और जायफल जावित्री, और भी काफ़ी इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हुए। तो इसकी तासीर, वो सब चीज़ इसकी तासीर बनाते हैं गर्म, इसकी तासीर हो जाती है गर्म। तो इसी वजह से कभी कभी किसी किसी मर्द को ऐसा होता है कि जब वो इसको लगाता है तो उसको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, जलन सी महसूस होने लगती है, ठीक है ना। क्योंकि जिसे गर्म चीज़ों से एलर्जी होती है, सिर्फ उसे ही ये प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो इसे बंद कर दें, ठीक है ना। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो ढीलेपन की, तनाव कम आता हो, या और भी देगा जो डिस्चार्ज जल्दी हो जाते हैं, सेक्स करते हैं दूसरी बार में लिंग दोबारा खड़ा होता है और ढीला ढीला पड़ा रहता है, तो ये उस चीज़ के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको किसी भी उम्र के बंदा इसे यूज़ कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बोला, इसे किसी भी उम्र का बंदा यूज़ कर सकता है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या लड़का हो या कैसे मतलब के बच्चा हो, बस ये है कि बालिग होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें इसके तरीका, लगाने का तरीका, तो मैं आजकल इसका तरीका बता देता हूँ। तो इसको तरीके से लगाना, मैं इसकी मेरी वीडियो पूरी देखना, काटना मत, ठीक है ना। इसके तरीका मैं आपको अभी प्यार से बताता हूँ, बड़े आराम से, कि किस तरीके इसको इस तरीके से लेनी है। देखो, तो मैंने इसको पेशेंट को दिए, ये इतना लेना है आपको, इतना, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, ऊपर से नीचे की तरफ को इस तरीके मालिश करनी है, इस तरीके से। आगे का भाग छोड़ देना है, ये हिस्सा छोड़ देना है, टोपला जिसे हम टोपली बोलते हैं, ठीक है ना, टोपली छोड़ देनी है। और ये दाएं बाएं और ऊपर इस तरीके अच्छे से मालिश करनी है, लेके कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके मालिश करना, इसी तरीके से करते रहना है, ताकि वो खुश्क हो जाए, जज्ब हो जाए और बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको धोना किस टाइम है, इसको करीबन आधे घंटे के बाद आप हल्के गुनगुने पानी से इसे धो सकते हैं, आधे घंटे बाद धो लें या पूरे 1 घंटे बाद धो सकते हैं, 4 घंटे बाद धो लें, जब आपको सही लगे उस टाइम पर इसे धो सकते हैं। आधे घंटे का टाइम तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। बस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 2 दिन बाद आपको तिलाए आज़म की भी मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा, तो कृपया उसको भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम।